Hello, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Pafin Mahamad Ansari, Aap Subhi Loka, Shraddha Kapoor, and Rajkumar Rao ki film Street with Tiga, yani ki Street 2 ke day number 3 ke box office collection episode mein tahe dil se hardik swagat karta hu. Kya ho raha hai mera bhai? To bhaiya, स्त्री अपना कमाल कर रही है बॉक्स ऑफिस पे एंड प्रोड्यूसर को माला माल कर रही है, लेकिन व्हाट अकॉर्डिंग टू मी वर्क्ड रियल बिग टाइम अपार्ट फ्रॉम द सीक्वल फैक्टर एंड द नॉस्टैल्जिया ऑफ द फर्स्ट पार्ट वर इट्स सॉन्ग. आज की रात जो है जिसमें तमन्ना भाटिया ने लिटरली हिला कर रख दिया, दैट सॉन्ग रेज द टेम्परेचर रियल हाई. उसका जो बज था स्पेशली सोशल मीडिया पर, बस अब जाओ इंस्टाग्राम पर और आज की रात की रील्स देखो, यू विल बी शॉक्ड टू सी कि कितनी महिलाओं ने भैया इस गाने पर रील बनाया है. वो तो चल ही रहा था एंड द बज वाज एस्केलेटिंग. वो लोग सिटी टूर्स भी कर रहे थे, लेकिन व्हाट केम एज अ मैसिव पंच एंड अ बूस्ट वाज पवन सिंह इंट्रोडक्शन इनटू द बॉलीवुड म्यूजिक सिनेरियो विथ नन अदर देन आई 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 तुत आई नहीं. राजकुमार राव एक ऐसा शख्स है जो कि हर एक इवेंट पर जब पहुंचा उसने जो स्टेप है ना, नहीं आई 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 तुत आई नहीं, एक भी इवेंट में मैंने ये नहीं देखा कि लड़का हल्के में ले रहा है, स्लो कर रहा है. एनर्जी एट एवरी इवेंट, एवरी सिटी, इरिस्पेक्टिव कि वो मैटर करता नहीं करता, सेम थी. इसी का कारण है वो लड़का आज यहां तक पहुंचा है. आई मीन आई कैन ट्रेस हिज जर्नी फ्रॉम यू नो अलीगढ़, ट्रैप्ड, उसके बाद जिस तरह से पिक्चर वो करता था, लव सेक्शन धोखा जाके देखो, उसमें आपको पता चलेगा राजकुमार राव क्या है. पर वन ऑफ हिज मोस्ट क्रेजियस्ट फिल्म्स, ये जब ये हॉरर वॉरर तुम लोग खेल रहे हो ना, ये बचपना चीज, ये हॉरर के बचपने बाप हॉरर वॉज रागिनी एमएमएस. मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं रात को घर जाके लाइट खोल के बैठा हूं पूरे रूम में. सीरियसली उस जैसी बाप पिक्चर में देखी ना, चिटकिन का जो था ना, आई वॉज जस्ट डिमेंटेड आफ्टर वॉचिंग दैट फिल्म. वक्त मिले तो देखना पार्ट वन. पता नहीं अब वो ओटीटी जनरेशन आ गई है, तुम लोगों को तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, बट इन दैट थिएटर जिस तरह वो क्रिएट किया एटमोसफियर, राजकुमार और ऑल दोज पीपल, फैंटास्टिक. राजकुमार राव का वक्त आ गया है एंड राजकुमार राव की जो टीम है, यानी कि उनकी जो मैनेजमेंट है, पीआर एजेंसी है, वो कोई मौका छोड़ नहीं रही है राजकुमार राव को यहां तक पहुंचाने के लिए. अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे, विरल मयानी, वरिंदर चावला, मानव मंगलानी, इन सबके पेजेस पर राजकुमार राव के पोस्टर जो है चिपका दिए गए हैं कि शाहरुख खान, राजकुमार राव, यश, रणबीर कपूर, वॉर, ऋतिक रोशन. तो राजकुमार राव का नाम उन लोगों ने वहां पे प्लेस कर दिया है क्योंकि गाइस ही डिजर्व्स द एक्लेज, क्योंकि वो हीरो है इस फिल्म का. आई मीन ही डिजर्व्स ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन. ऑन द अदर साइड इफ यू सी श्रद्धा कपूर, शी इज ऑलवेज बीन डाउन टू अर्थ. किसी ने सबसे फनी मैंने आज का कमेंट सोशल मीडिया पे ये पढ़ा कि स्त्री 2 की सफलता का क्रेडिट जो है शक्ति कपूर को मिलना चाहिए. अरे बस कर दो भाई, बस कर दो, कल जाके कुछ किस किस को क्रेडिट देना है स्त्री 2 का, किसको बोलना, और कोई बच्चा है क्या, पड़ोसी को भी दे दो अपने आगे क्रेडिट. तो ये सब चल रहा है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, लोग बेड़िया देख रहे हैं, मुंजिया जो स्टार गोल्ड में प्रीमियर होने वाला है वो उसकी बातें कर रहे हैं, दे आर गोइंग इन ग्रुप्स एंड वॉचिंग दिस फिल्म 1 and 2 times. द बज इज देयर, द सिनारियो इज देयर कि यस द फिल्म इज हैपनिंग. इसी का कारण है कलेक्शन इस तरह से हो रहे हैं. मुझे गदर 2 की याद आ गई थी कि किस तरह से हम रात को बैठकर प्रेडिक्शन दिया करते थे, सुबह जो कलेक्शन आते थे वो अविश्वसनीय थे. एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि स्त्री आजकल क्या कर रही है. पेड प्रीव्यूज मतलब सब फाड़ दिया, 9.40 डे नंबर 155.40 एंड कल इसे सबको आश्चर्यचकित कर दिया फिल्म ने, 35.30 यानी कि 35.30 करोड़ कमाई की. इसी के साथ फिल्म ने 2 दिनों में 100.10 करोड़ कमाई कर दी. ग्रॉस पोस्टर जो है मैडॉक फिल्म्स का वो 118 करोड़ का आया. अरे भैया ग्रॉस बराबर कैलकुलेट कीजिए भाई, 118.18 करोड़ होता है इसका ग्रॉस. एंड गाइस डे नंबर 1 ओवरसीज था 7.89. बात करो डे नंबर 2 के ओवरसीज की, मेरे पास 4 territories के नंबर है वो बता देता हूँ. नॉर्थ अमेरिका 4.10 करोड़, यूके 66 लाख, ऑस्ट्रेलिया सुपर 84 लाख, ओके न्यूजीलैंड 25 लाख. इसी के साथ फिल्म ने डे 2 अकॉर्डिंग टू माई नंबर्स यानी जितने में मेरा डेटा आया है 5.85 करोड़ का ओवरसीज किया है. 2 दिन में इस फिल्म ने 13.74 करोड़ का ओवरसीज किया जो कि बाप लेवल का नंबर है. अक्षय कुमार, अजय देवगन की कुछ पिछली पिक्चरें आई है क्योंकि ओवरसीज 2-3 करोड़ रुपया भी नहीं कमा पाई है, उसको देखूं तो डीज पाप नंबर्स इन द ओवरसीज मार्केट. इसी के साथ इस फिल्म ने यहां पर 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड 132 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस जो है किया है. आज है डे नंबर 3 एंड डे नंबर 3 की जो एडवांस बुकिंग है वो है 14 करोड़ रुपए की. 47,000 टिकट्स आर बीइंग सोल्ड एवरी आवर सिंस 11 PM 11 AM
यानी कि पिछले 6-7 घंटों से प्रति घंटे 47,000 का एक एवरेज रेशियो जो बनाया जा रहा है। एंड अगर मैं 1159 सब लोग बुक माय शो देखो रहे हैं, भाई 2 मिनट लगता है देखने के लिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। बुक माय शो आके देखो, देखो खाली पागल बना क्या चल रहा है इस पिक्चर का। अरे वो थिएटर है ना जो कभी फुल नहीं होते, जिंदगी में फुल हो गए हैं। इतना है कि मनोज देसाई ने गॉसिप भी दे दिया स्त्री 2 को। अरे सीरियसली बोल रहा हूँ, अरे मनोज जी क्या कर दिया भाई, गॉसिप भी दे दिया है। 2 थिएटर दे दिया मनोज देसाई ने एंड गेटी तो अभी से फुल हो गया है। और रात का शो बात करते हैं आज की, डे नंबर 3 मुद्दे पे आते हैं। मॉर्निंग 37% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 63, इवनिंग पंपिंग एट 70% एंड रात, भैया कल संडे है भाई, संडा कर दीजिए, रात को मजे कीजिए भाई। हॉरर पिक्चर देख के गर्लफ्रेंड के साथ जाइए भाई, डर जाइए, आप डर जाइए तो गर्लफ्रेंड भी डर जाएगी, तो दोनों डरे हुए रहेंगे, मजा आएगा। सर क्या बोल रहे हो सर, अरे काम कीजिए भाई, अपना डरना काम है हमारा। तो 70% इवनिंग ऑक्यूपेंसी है, अगर रात की ऑक्यूपेंसी 90% जंप हुई इज गोना बी एब्सोल्युटली क्रेजी। जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली अब सिटी वाइज जो है क्या खेला हो रहा है इस फिल्म के साथ। तो शुरुआत करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में गाइस अभी फिलहाल 1169 शोज है इन अ क्लैश। अब वो क्लैश काय का रहा भाई, वो दोनों का कुछ ठिकाना ही नहीं बचा है। हाँ, एक ने तो बाय वन गेट वन देना शुरू कर दिया, दोनों की बात करना ही बेवकूफी है क्योंकि ये एक वन शो रेस है। 1169 शोज में 75% की ऑक्यूपेंसी है, पागलपना चल रहा है भाई, लिटरली बोल रहा हूँ ना। दिल्ली एनसीआर 1240 शोज है, 84% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूंगा इस पुणे की, पुणे में 422 शोज, अरे पुणे में 422 शोज का मतलब समझते हो, लिटिल 74% की ऑक्यूपेंसी है। बात कर नमा बेंगलुरु की, दिस इज क्रेजी। बैंगलोर हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव टू गुड सिनेमा, आई मिस वॉचिंग मूवीज इन उर्वशी यू नो, एंड HMD थिएटर है वहां पे जालाली क्रॉस में। बैंगलोर के सिनेमाज को कोई बीट नहीं कर सकता, उनका एम्बियंस, उनका एटमोसफियर। एंड उर्वशी सिनेमा सेल्स सम मैड ग्रिल सैंडविचेस, आई रियली मिस बैंगलोर सिनेमाज, यू कैन नॉट रेप्लीकेट देम। नंबर बेंगलुरु इज 95% ऑक्यूपेंसी। बात करूं हैदराबाद की, 249 शोज में 71, बट इट्स कोलकाता, 324 शोज में 78%। अहमदाबाद इज वेटिंग फॉर द नाइट शोज। अहमदाबाद 2 दिन से क्या कर रहा है, इवनिंग में 30-35 पे खेल रहा है और रात में 70-80 पे बैटिंग कर रहा है, क्योंकि वहां की भैया नाइट लाइफ सुना है बहुत खाना मिलता है भाई, वहाँ पे स्ट्रीट फूड इज वेरी फेमस इन सूरत एंड अहमदाबाद। तो रात को पब्लिक जो बहुत ज्यादा निकलती है, लेकिन हर फिल्म के लिए नहीं, समझ में आ रहा है। 719 शोज में 34% है। बात को चेन्नई की, 77 शोज में 94% है। एवरी सिनेमा इज सोल्ड आउट डिस्पाइट द तमिल एंड तेलुगु फिल्म रिलीजिंग ओवर देयर, एंड तेलुगु दोनों पिक्चर फ्लॉप हो गई, बच्चन भी फ्लॉप हो गए, डबल स्मार्ट में वो कमेंट में लिख रहे डबल स्मार्ट देखने, पागल हो क्या, अबे कुत्ता काटेगा जाके राम पोती नैनी को और पूरी की पिक्चर देखने के लिए जाकर, कोई शौक नहीं आया मेरे को अपनी वाट लगाने के लिए, वैसे ही 3 पिक्चर देख के बैठा हूं मैं हफ्ते में। बात करोगे सूरत की, 355 शोज, 22%। कल सुबह बोल रहा हूँ सूरत की रात की ऑक्यूपेंसी 50% होगी। जयपुर की बात करूं, 143 शोज में 78% है। चंडीगढ़ में 146 शोज में 72, वी आर प्लेइंग इन द 70s मैन। हाँ, बात करूं भोपाल की, 75% की ऑक्यूपेंसी है। स्त्री 2 हैज डोमिनेटेड द इंडियन बॉक्स ऑफिस लाइक एनीथिंग, इट्स अ रैम्पेज, इट्स अ सुनामी एट द बॉक्स ऑफिस, पुल अप योर सॉक्स, भूल भुलैया 3, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। अगर अनीस भाई की जगह होता, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं अगर अनीस बज्मी की जगह होता तो भूल भुलैया 3 के एंड में मैं अक्षय कुमार को एंटर करा देता था, सीरियसली बोल रहा हूँ। टें 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 तेरी आंखें भूल भुलैया, एंड उसकी मुलाकात कार्तिक के साथ होती है, अरे नए मिशन पे जाएंगे भूल भुलैया 4 में, क्योंकि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू नीड फ्रेश राइटिंग ओवर हियर। नीरेन भट्ट ने जो राइटिंग की इस पिक्चर की, टॉप नॉच, उसने क्लिफ हैंगर पे छोड़कर चला गया है इस पिक्चर को। एंड अब जस्ट इमेजिन अगले 5 आएंगे तो क्या होगा। तो भूल भुलैया 3 हो गई हो, शैतान 2 हो गए हो, जितने भी राइटर्स है, यूज योर माइंड, मेक बैड एस हॉरर कॉमेडी फिल्म, क्योंकि गाइज दिस इज द फ्लेवर। शैतान देखी, मुंजिया देखा, एंड अब ये फिल्म देखी, जस्ट इमेजिन आगे क्या होगा। माई प्रेडिक्शन, ये फिल्म अभी जब मैं एपिसोड बना रहा हूँ तो कल का कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 36 करोड़ रुपया क्रॉस कर दी है। कल ये फिल्म 48-50 करोड़ डेफिनेटली कमाने की कोशिश करेगी, रात के शोज अगर अच्छे हुए तो। अगर ये फिल्म 48 करोड़ कमाती है, 3 दिनों में फिल्म 148 करोड़ रुपया कमा लेगी। संडे ये फिल्म फिर से 50 करोड़ कमाएगी एंड 198 एंड 200 करोड़ 4 दिन में कमाने की कोशिश करेगी। मंडे रक्षाबंधन, कई जगहों पर छुट्टियां मिलती है, कई जगहों पर नहीं मिलती है, इसलिए 25 करोड़ का नंबर लेना सेफ होगा। 5 दिन में 225 करोड़, इट्स अ स्मैश फ्रॉम श्रद्धा, इट्स अ स्मैश फ्रॉम आर वाव, इट्स अ स्मैश फ्रॉम अपार शक्ति खुराना एंड अपार अभिषेक बैनर्जी भाई, मिलेंगे भाई एक दिन आपसे,
जिस तरह से मुंह बना है पिक्चर, बहुत पंकज त्रिपाठी गोट मैन लिटरली, तमन्ना जी तमन्ना पूरी कर दीजिए भाई, क्या डांस किया, बहुत बेहतरीन। सभी लोगों ने ना समा बना दिया है। एंड वो लड़की जो चिट्टी, वो बंदी बहुत सही है यार पिक्चर में। आपा शक्ति की जो गर्लफ्रेंड बनी इस पिक्चर में, उसने बहुत अच्छा काम किया है। बट इट्स सचिन जिगर्स म्यूजिक। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अदनान स्वामी ऐसा गा रहे है भाई, सरे सर माफ कर दो यार, अरे मैं ही मिलता हूँ तुमको, वो गाना और उसके बाद जो दूसरा गाना है रोमांटिक गाना, जितने भी गाने हैं फैंटास्टिक। ओके गाइस, लेट्स सी, कल मिलेंगे सुबह, जानने की कोशिश करेंगे कि स्त्री टू वाकई में 48-50 करोड़ कमाता है या शॉर्ट पड़ जाता है या फिर उसके ऊपर आता है। इट्स गोना बी क्रेजी एज़ ऑलवेज से।